वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह व अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ डॉक्टर JP त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी, एडिशनल CMO डॉक्टर NK पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के संभावित दूसरे चेन रोकथाम के लिए लगाए कारगर उपाय किए जाने तथा अगले वर्ष कोरोना वैक्सीन के लगाए जाने की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि हर हाल में मार्च 2021 तक वैक्सीन के रखने की तैयारियां पूरी कर लें, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत न आने पाए और कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए सतर्कता बरतें। हम उनका स्वागत करते हैं और माननीय मंत्री जी के अनुमति से इसको प्रारंभ करते हैं सर। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है आज का, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एक अप्रिहेंडेड सेकेंड वेव है और जो हम कुछ जिलों में उछाल निरंतर देख रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम सीमित कर सकें, किस प्रकार से हम प्रदेश को सेकेंड वेव से बचा सकें, इसी के संबंध में चर्चा परिचर्चा के लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो ये इसका एस्पेक्ट है जो एनफोर्समेंट से या बाकी चीजों से, टेस्टिंग से, ट्रैकिंग से जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की बात है। दूसरी बात, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो एक संभावित है कि अगले वर्ष के प्रारंभ में वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस हो सकती हैं और उसके बाद जो वैक्सीनेशन होगा लोगों का, उसके लिए जो हमारी तैयारियां हैं उस पर भी हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। जो अभी तक चर्चा हुई है भारत सरकार के साथ, इसमें चार करेंगे वैक्सीनेट करेंगे, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। उनकी लिस्टिंग जो लाइन लिस्टिंग आप कर रहे हैं और आज मैं समझता हूं कि उसके बारे में आज एक जूम कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों का हुआ है, इसमें जो जानकारी हम लोगों के पास है कि सरकारी क्षेत्र के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका तो लगभग नहीं किसी है। मैं जानता हूँ कई जिले ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के हेल्थ केयर वर्कर्स का 100% लाइन लिस्टिंग जो है हर हालत में प्राइवेट और पब्लिक दोनों की, हर जिले की 100% कंप्लीट हो गई। हमारी पब्लिक की कितनी है? 60% वैक्सीनेशन में ही। जो दूसरी बात है वो ये है कि कोल्ड चेन के लिए जो स्पेस अरेंज करना है उसकी पब्लिक व्यवस्था की उसमें हम लोगों ने बहुत पहले ही कार्य किया था, असेसमेंट करवाया था, 90% की योगदान क्या करना होगा और उसके आधार पर जो आई थी रिक्वायरमेंट, उसके जो पैसा चाहिए था, धनराशि चाहिए थी, वो सब कमरे में स्पेस को थोड़ा बढ़ाना है, उसके स्ट्रेंथनिंग करनी है या उसका रिफर्बिशमेंट करना है, उसके लिए या जिन देखिए जब कुछ जिले ऑलरेडी उस पर काम प्रारंभ कर चुके हैं तो आप लोग इस तरह से ये नहीं कर सकते। तैयार करना है, ये हर जनपद में 15 दिसंबर उसकी आउटर लिमिट है, जिन जनपदों में छोटा मोटा काम होना है जिसमें केवल 50,000 रुपए सैंक्शन किया गया, थोड़ा बहुत होना है, वो तो आपको इसी महीने में खत्म कर लेना चाहिए, वो सब काम इस नवम्बर तक खत्म कर लीजिए। जहाँ पर एक्स्ट्रा कमरा बनना है वो 15 दिसंबर तक आरंभ हम लोग उसको भी कंप्लीट कर ले, उसमें चाहे वहाँ काम करवाना पड़े जो भी करना। ये तो आपके वैक्सीनेशन की बात हो गई। अब जो सेकेंड वेव या उछाल की बात हम लोग कर रहे हैं, जो बार बार आप लोगों को मैसेजेस भी भेज रहा हूँ, तो पीछे हम लोगों ने 2-3 दिन पहले कुछ जनपदों के साथ बातचीत की थी और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पर भी मुख्यालय पर भी सारे अधिकारियों के साथ किया गया था, उसमें कुछ अच्छी चीजें निकल के आई थी और इसी के लिए आज हम लोगों ने कुछ जनपदों से कहा है आपको 5-5 मिनट देंगे, 4 जनपदों को एक प्रेजेंटेशन करके करना है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में प्रेजेंटेशन करेगा, गोरखपुर करेगा एक प्रेजेंटेशन जो दिल्ली से लोग आए इस तरह में और फिर वापस गए, उसमें कैसे वो सर्विलांस कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन मेरठ का है। क्यों डॉक्टर विकास सर, मेरठ का एक प्रेजेंटेशन है, मैपिंग पर प्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे
जो केसेस आ रहे हैं कैसे उसको मैप कर रहे हैं और मैप करके कैसे वहां फोकस सर्वेलेंस कर रहे हैं। इस समय फोकस सर्वेलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक चौथा प्रेजेंटेशन एक लखनऊ का है जो वो ये बताएंगे कि फैसिलिटी को कैसे रेडीनेस में किस स्थिति में ला रहे हैं। इस समय जब अगर केसेस बढ़ेंगे तो आपके L2, L3 और आवश्यकता पड़ने पर L1 बेड्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो खास करके क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं उनको कैसे आप रेडी कर रहे हैं, रेडी रख रहे हैं, तो उसमें क्रिटिकल केयर के बेड्स उपलब्ध होना चाहिए। तो जो क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं केवल वो अवेलेबल होना पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए जो वहाँ इक्विपमेंट चाहिए वो भी होने चाहिए, जो मैन पावर है मैन पावर भी होना चाहिए, मैन पावर का फिजिकली अवेलेबल होना भी वो तो नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। जो मैन पावर है वो क्रिटिकल केयर के लिए ट्रेंड भी होना चाहिए। तो कैसे इस चीज को कर रहे हैं इस पर सीएमओ लखनऊ में प्रेजेंटेशन करेंगे, कुछ सीएमओ अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे अलग अलग विषय पर। और जैसे अभी आपको संभावना जो आगे का वेव आने की संभावना है जो दिल्ली से निकल के हमारे कुछ NCR जनपदों में थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, तो एक तो उसको आपको ध्यान में रख के पूरी तरह से सक्रिय होना, अलर्ट होना और टेस्टिंग को सही करवाना। देखिए आज मैं एक जगह बैठा था जहाँ कुछ बातें ऐसे आई कि अभी हमारे टेस्टिंग की जो संख्या है उसमें कहीं थोड़े नंबर्स में कहीं गलती आ रही है। बीच में भी ये आई थी और अभी भी मुझे आज मैं ऑफिस में बैठा था कुछ लोग आके हमने पूछ रहे थे, हालांकि हमने इसको पूरी तरह से नकार दिया, मगर कहीं ना कहीं नंबर्स आपके गलत ना हो, फोकस टेस्टिंग या टारगेटेड टेस्टिंग जो आपको बताया गया है वो पूरी तरह से उस पर आपको प्रभावित रहना है। जहां भी आपके कंटेनमेंट जोन जो बने हैं, जहां आपका मरीज चिन्हित होता है उसके जो एरिया जो डिमार्केटेड है उतने ही टेस्टिंग आपको करना है। बाकी आप टारगेटिंग कर ही रहे हैं, आपका 30 तारीख तक अभी चल ही रहा है आपका टारगेटिंग टेस्टिंग और फोकस टेस्टिंग। सेकेंडली आपका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग 100% सही होना चाहिए। जो नंबर जो बताया गया है कि फोकस टेस्टिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आपका कम से कम 25 तक या 15 से लेकर 25 तक होना चाहिए। बिहार में अभी जो समीक्षा हुई थी प्रमुख सचिव जी गए थे, आप लोग से बात भी हुई थी, मेरे थोड़े जान भी रहे होंगे, वहां आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम दिखाया जा रहा है, तो उसको ठीक करना, क्योंकि आगे के 15 दिन या 20 दिन तक हमको पूरी तरह से अलर्ट रहना है, हर प्रकार से आपको सजग रहना है कि इस बीमारी को पकड़ने के लिए, इस वायरस को पकड़ने के लिए पूरी तरह से आपका सही प्रकार का टेस्टिंग होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए और आपका ट्रैकिंग होना चाहिए। तो ट्रैकिंग में आप कर ही रहे हैं, ट्रीटमेंट आपने सभी अपने हॉस्पिटल्स को आपने पूरा पूरी तरह से देख लिया होगा, उसमें बेड की व्यवस्था, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके L2 के जितने भी अगर वेंटिलेटर बने वो देखना है। तो सारी चीजें तैयारी रखिए कि आगे चल के अचानक अगर कोई इस तरह का वेव आता है तो हम लोग उसके लिए तैयार रखें। दूसरी बात तो अभी एसी साहब ने आपको कहा है कि जो कोल्ड चेन का हम लोग को तैयारी करना है, जिसमें आवश्यकता अनुसार कुछ जनपदों में ऑलरेडी आपको ये मिल चुका है, धन भी दे दिया गया है, तो हर हालत में आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 दिसंबर तक वो पूरा करने की जरूरत है, तो उसको पूरा करिए। और जो भी हमको क्वांटिटी मिलेगा उसके पहले हमारा तैयारी हो जाना चाहिए, हमारा कोल्ड चेन जो अभी वर्तमान में चल रहा है टीकाकरण के माध्यम से, उसके अंदर भी जो आपके उपकरण है, जो क्या बोलते हैं फ्रीजर है, वॉकिंग कूलर है, फ्रीजर है, जो भी है वो डीप फ्रीजर है, उसको जरूर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। उसके भी निर्देश आपको इसी सब के द्वारा ऑलरेडी चला गया है। वो इक्विपमेंट आपका सही होना चाहिए, कम से कम उन इक्विपमेंट में फर्स्ट फेज का ट्रायल जब भी हम लोग को मिलेगा मार्च अप्रैल में, तो उसमें तो हम लोग उसको एडजस्ट कर पाएंगे। जहां हमारे नए बन रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, नक्शा से आप लोग देख चुके हैं, फटाफट उसको बनाइए और उसको तैयार करिए, 15 दिसंबर तक हर हालत में इसकी रिपोर्ट आ जाना चाहिए। जिस भी सीएमओ के द्वारा उसका ध्यान रखिए, उस प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें और अपने यहाँ जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें कहीं आवश्यकता थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है।